हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज हम क्लास सिक्स में चैप्टर फाइव जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, द बॉय हु हेटेड ट्रीज के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स तो हम लोगों ने कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर बी से हम लोग करेंगे, जिसको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। ही थिंक्स वी आर नॉट ऑफ एनी यूज, I cannot understand it, so I have called this meeting to see what to do about it. Has anyone anything to say? ये लाइन है जो स्टोरी में से ली गई है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस को कहा जाता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, इन द स्टोरी हु सेड दीज लाइन्स एंड टू हूम। इसका आंसर है, पाइन ट्री सेट दीज लाइन्स टू अदर ट्रीज एंड एड्रेस देम एज डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सेकेंड, हु इज द पर्सन दैट द स्पीकर इज रेफरिंग टू। द स्पीकर इज रेफरिंग टू द बॉय निक इन द स्टोरी। वेयर वॉज द स्पीकर वेन दीज वर्ड्स वेयर स्पोकन। द स्पीकर द पाइन ट्री, हु वॉज द स्पीकर, द पाइन ट्री वॉज लीडिंग द प्रोसेशन विच वॉज कमिंग टूवर्ड्स निक। दूसरा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या है, आई एम सो सिक ऑफ बॉयज शी सेड, दिस सेम बॉय मेड अ विसल आउट ऑफ वन ऑफ माई चिल्ड्रन जस्ट टू नाइट। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, इन द स्टोरी हु इज द शी हु स्पोक दीज लाइन्स, द विलो ट्री। हु इज शी, द विलो ट्री इज द शी। In the story, who is the same boy the speaker is referring to? The boy who was fanning himself with one of the palm leaves. What did the one who spoke these words do just before she uttered them? She wiped her eyes because वो रो रही थी। अब हमारा तीसरा reference to context. Nick, are you going to help me plant the new trees? In the story, who said these lines and to whom? Nick's father said these lines to Nick. Where was Nick when these lines were spoken? Nick was sleeping in his little room. अब है हमारा question answer की बारी। In which kind of land did Nick wish to live? Nick wished to live in a land where there were no trees. Which trees said that a boy named George had cut down her great grandfather just to try his new hatchet? The cherry tree said these lines. What made Nick understand how useful and beautiful trees are? Nick moved to a place where there were no trees or green grass anywhere around. There was only hot scorching white sand everywhere. There was no shade of tree, no water to drink. Then after some time he found a little spot of green grass, a spring of cool water, and one of the things he hated, a tree. This gave him relief and he understood the importance of trees. Trees are really very important for us. In the story, which tree was trembling all over? Poplar tree was trembling all over. लास्ट क्वेश्चन हमारे चैप्टर का है, हु कैरीड निक टू द लैंड ऑफ नो ट्रीज। द विंड टुक निक अवे टू द लैंड ऑफ नो ट्रीज। ये रहा हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।